और चलिए सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर आम महोत्सव में पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये आम महोत्सव यहां पर अलग अलग जिलों से अलग अलग वैरायटीज के आम लाए गए हैं और प्रदर्शनी लगाई गई है। और इस महोत्सव में इस वक्त प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त आम महोत्सव में पहुंचे हुए हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं। आम महोत्सव का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे हुए हैं। 800 से ज्यादा वैरायटी के आम यहां पर प्रदर्शित किए जाएंगे और 3 दिनों तक आम महोत्सव ये चलेगा। इस दौरान आम से बने व्यंजनों और उत्पादों की भी प्रतियोगिता होगी और कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। किसान विचार, सुविधा, तकनीकी और अनुभव का भी यहां पर आदान प्रदान कर पाएंगे। तो देख सकते हैं आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। नीतिका दीक्षित फोनलाइन पर जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीतिका, बताया जा रहा है 800 से ज्यादा वैरायटी के आम इस आम महोत्सव में दिखाई देंगे और आज सीएम योगी पहुंचे हुए हैं शुभारंभ करने के लिए, क्या जानकारी? जी सीनम, देखिए बेहद यूनिक ये आम की प्रदर्शनी यहाँ लखनऊ में लगाई गई है। ये महोत्सव जो है ये 3 दिनों का है, आज से शुरुआत हो रही है इसकी और 14 जुलाई तक, यानी कि 3 दिन ये महोत्सव यहाँ पर लगाया जाएगा। और इस वक्त सीएम योगी यहाँ कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं, जहाँ पर जो तमाम आम की वैरायटी लगाई गई है वहाँ पर वो उसकी प्रदर्शनी देख रहे हैं। लगभग 800 से ज्यादा आम की प्रजातियां यहाँ पर लगाई गई हैं, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश की जितनी भी प्रजातियां हैं आम की, बल्कि जो अलग अलग प्रदेश हैं वहाँ से जो तमाम आम हैं, जो ऐसी वैरायटीज हैं जिनके शायद आम इंसान ने कभी नाम भी नहीं सुने होंगे, ऐसी आम की प्रजातियां यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। इसके अलावा इस पूरे आयोजन में किसानों के साथ बागवान, स्टेक होल्डर्स और जो निर्यातक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आम से जुड़ा जितना भी एक्सपोर्ट होता है, जितना भी पैकिंग हाउस है, वो सब यहाँ पर इस महोत्सव में भाग लेने वाले हैं। और यहाँ पर जो तमाम तरह के आम हैं उनकी यहाँ पर प्रदर्शनी कराई गई है। इसके अलावा यहाँ पर इन 3 दिनों में कई सारे कॉम्पिटिशन भी आयोजित किए जाएंगे, आम खाने की प्रतियोगिता करी जाएगी, आम से जितने तरह के व्यंजन बनते हैं उनकी भी यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। तो ऐसे में जो तमाम कॉम्पिटिटर्स हैं, प्रतिभागी हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं और उन्हीं प्रजातियों का, उन्हीं पकवानों का एक नमूना इस वक्त सीएम योगी वहां पर प्रदर्शनी में इस समय देख रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर 3 दिनों में अलग अलग तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। आम के उत्पादन को कैसे बेहतर बनाना है इस पर तमाम जो किसान हैं वो अपनी राय रखेंगे। और न सिर्फ ये एक बड़ा मौका है तमाम किसानों के लिए अपनी फसल को दूसरे राज्यों तक पहुँचाने का, बल्कि एक बेहतर मौका है कि किसान आपस में जो तकनीक है, जो सुविधा है, जो अनुभव है, उसका भी आदान प्रदान कर सकेंगे। तो तमाम जो चीजें हैं उनको देखते हुए इस आम प्रदर्शनी, आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ लखनऊ में अवध शिल्पग्राम में 3 दिनों का ये आयोजन यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें 800 से ज्यादा वैरायटी के आम हैं। इसमें आम लोग भी आकर इस प्रदर्शनी का हिस्सा बन सकते हैं, यहाँ पर आकर इन आमों को चख सकते हैं, यहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हैं और इसके अलावा जो कॉम्पिटिशन है उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी तैयारी बहुत भव्य, हर साल यहाँ पर ये आयोजित किया जाता है, हर साल भव्य तैयारियां होती हैं। और इस साल भी क्योंकि आम का सीजन है, आम जो है इस वक्त आम की डिमांड भी ज्यादा होती है, इसमें आम की वैरायटीज को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। जो आम लोग हैं वो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इतने यूनिक तरह के आम रहते हैं, 800 से ज्यादा वैरायटी ना सिर्फ यूपी के रहते हैं बल्कि पूरे इंडिया से, अलग अलग रीजन से जो भी आम की स्पेशलिटी होती है या जो नई खोज होती है, अलग अलग तरह के आम, अलग अलग साइजेस के आम यहाँ पर मौजूद रहते हैं। ऐसे में यहाँ पर अभी सीएम योगी पहुंच चुके हैं, जो कि जो प्रदर्शनी है उसका अवलोकन कर रहे हैं। बिल्कुल, और नीतिका एक तरीके से अगर देखा जाए तो किसानों के लिए भी फायदेमंद है। जो लोग किसान की, जो लोग ये आम की पैदावार करते हैं, जो किसान, तो उनके लिए भी काफी फायदेमंद है। यहाँ पर वो अपनी तकनीक और अपनी पैदावार और अपने अलग अलग आइडिया तो एक दूसरे से शेयर कर पाएंगे, उनका आदान प्रदान भी होगा। तो कह सकते हैं कि ये एक इस दिशा में एक अच्छा कदम है कि आम महोत्सव, इस तरह के महोत्सव किए जा रहे हैं जिसका फायदा किसानों को भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आम महोत्सव है इसका फायदा सीधे तौर पर जो किसान है उनको होगा, क्योंकि सिर्फ प्रदेश के लिए बल्कि अलग अलग जगह से यहाँ पर जो किसान है वो यहाँ पर आए हुए हैं, जो बागवान हैं,
जो पैकिंग हाउस हैं और जो एक्सपोर्टर्स हैं वो सभी यहाँ पर हैं, उनको एक बड़ा एक्सपोजर मिलेगा सीधे तौर पर, जिससे कि जो उनके आम हैं उनको न सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड, क्योंकि यहाँ से इंडिया से बड़ा एक्सपोर्ट होता है आम का पूरे विश्व में, तो ऐसे में उनको एक बड़ा मंच मिलता है। और खास करके जब अलग अलग क्षेत्रों से किसान आते हैं तो वो अपने विचार व्यक्त करते हैं, उनकी तकनीक किस तरह से उन्होंने उस आम की प्रजाति को बढ़ाया है और किस तरह से उसमें और ज्यादा बदलाव लाके उनको और बेहतर बनाया जा सकता है, इसके बारे में भी बताया जाता है। तो ये आम की का महोत्सव बेहद महत्वपूर्ण है उन किसानों के लिए जो आम पर लगातार काम करते हैं, उसकी नई नई फसलें बनाने के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर जो मैंगो फेस्टिवल है उसको आप अभी देख रहे हैं, यहाँ पर सीएम योगी जो प्रदर्शनी लगाई गई है, जहाँ पर न सिर्फ जो 800 से ज्यादा वेराइटीज के आम हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, बल्कि जो आम से बनाए हुए तमाम उत्पाद हैं और जो तमाम तरह के जो फ्लेवर्स हैं आम के वो यहाँ पर लोगों को देखने को मिलेंगे और उनको यहाँ पर लोग आकर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये जो आम की प्रदर्शनी है ये पूरी तरह से जो किसान हैं उनके लिए बेहद लाभदायक होने वाली है, जो तमाम नर्सरी हैं उनके मालिक यहाँ पर मौजूद हैं, किस किस तरह की मशीनरी का प्रयोग किया जाता है इन आमों के उत्पादन में उसकी यहाँ पर जानकारी उनको मिल सकती है, किस तरह से निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है, जो शोध करता है जो वैज्ञानिक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये बेहद अहम आयोजन है, इसमें 100 से अधिक स्टॉल्स लगाए गए हैं और अलग अलग पकवान और व्यंजन भी यहाँ पर प्रदर्शित किए जाएंगे, जो कि बेहद रोचक भी यहाँ पर दिखने वाला है, क्योंकि ऐसी ऐसी डिशेस यहाँ पर देखने को मिलेंगी सीनम जो कि आम तौर पर आपको नहीं पता होगा कि ये भी आम से बन सकती हैं। तो यहाँ पर किसानों के लिए एक बड़ा मंच है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जो एक्सपोर्टर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और किस तरह से आम को बढ़ावा देगा, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पार्क टीबी को बढ़ावा देने की बात हो रही है। तो जो तमाम चीजें हैं जिस तरह से आम को लगातार आम बढ़ाने के लिए बात की है उसके उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर आम महोत्सव लगाया जा रहा है। 3 दिन का है और मुख्य जो है वो आम की प्रदर्शनी देखकर अब कुछ देर में वहाँ पर पहुँच रहे हैं और आम महोत्सव को बेहद मनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 800 से ज्यादा वेराइटी के आम है और यहाँ बस मंच पर मुख्यमंत्री पहुँचने वाले हैं। तो ये बड़ा महोत्सव यहाँ पर बड़ा आयोजन है, खास करके किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है, जिनको न सिर्फ अपने आम की फसल को पूरे विश्व में उनके बारे में बताने का मौका मिलेगा, लेकिन बिल्कुल। तो हमारी सहयोगी नितिका जिस तरह से जानकारी दे रही थी कि इसका फायदा सीधे तौर पर किसानों को भी मिलेगा और आम खाने की प्रतियोगिता भी यहाँ पर होगी, आम खाने की भी और इसके साथ ही आम से बने व्यंजनों की प्रतियोगिता होगी, उत्पादों की प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित की जाएगी। 3 दिन तक ये महोत्सव चलने वाला है, तो कह सकते हैं कि अगले 3 दिनों तक यहाँ पर अगर आप जाना चाहते हैं आम महोत्सव में, तो आप अलग अलग वैरायटी के आमों का लुत्फ उठा सकते हैं। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर शुभारंभ के लिए जो पहुंचे हुए हैं उसकी एक तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। 800 से ज़्यादा किस्म के आमों का प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है, दूर दूर से अलग अलग वैरायटी के आम लेकर यहाँ पर किसान पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर तरह तरह की प्रतियोगिताएँ भी आयोजित की जानी है अगले 3 दिनों तक, जिसमें आम खाने की भी प्रतियोगिता होगी और साथ ही साथ आम से बने व्यंजनों की, आम से बने उत्पादों की प्रतियोगिता होगी। आम के ज़रिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बनाई जाती हैं लोगों की ओर से। तो लखनऊ से ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो यहाँ पर आम महोत्सव का शुभारंभ करने के लिए पहुँचे हुए हैं। हमारी सहयोगी नितिका इस पर लगातार जानकारी दे रही थी और अब ये देखिए मंच की तस्वीर भी सामने आ गई है। मंच पर भी पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आम महोत्सव का शुभारंभ करने के लिए और सम्मानित किया गया यहाँ पर मुख्यमंत्री को। इसके बाद अब कुछ देर तक मुख्यमंत्री का यहीं पर रुकने का कार्यक्रम है। 800 से ज़्यादा किस्म के आमों का प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है।